हरियाणा कांग्रेस की कलह से हर कोई वाकिफ है। खुलकर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई सामने भी आती रहती है। हुड्डा गुट और एसआरके गुट आमने सामने हैं, वहीं दोनों ही गुट अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। चुनावों में आम जनता को लुभाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा ऐलान किया और सरकार बनने पर 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। पहले हुड्डा का ये बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में मिलेगा, पूरे हरियाणा से आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में, जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोली जारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। तो वहीं कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा के बयान को गलत ठहराते हुए कहा कि साल 2019 में मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी कोई बात पार्टी की तरफ से नहीं रखी गई थी। लेकिन झज्जर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा के बयान को सही ठहराया। इसमें ऐसी बात कब थी मुझे तो ध्यान नहीं, मैं PCC प्रेसिडेंट थी, ना उस समय पार्टी में ये चर्चा हुई, ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना हाई कमांड से ऐसी कोई बात। तो एज PCC प्रेसिडेंट उस वक्त की मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई उस समय फैसला नहीं था, और आज ऐसी बात कैसे कह। और मुख्यमंत्री का क्या, मुख्यमंत्री पद सबके लिए खुला होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, और ना आज के दिन ये वक्त है जो हाई कमांड ऐसी बात कोई करेगा, ना कोई डिस्कशन हुई है। देखो, ये बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। हाँ, ये ज़रूर याद है सब लोगों को कि उन्होंने जब वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कहीं कि रिपोर्टिंग देखी थी हमने कि मैं पहले एक वर्ग का हूँ और फिर मुख्यमंत्री हूँ, ये तो कहा सुना था हमने। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ये पार्टी में ना कभी, या आपने किसी और राज्य में देखा है कि इतने उप मुख्यमंत्री हों, या इस तरह की राजनीति जो जाती है बात करना और करना, हमारी पार्टी में नहीं चलता है। और बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे तो ये हाईकमान का फैसला, बाद में हाईकमान का फैसला होता है कौन क्या बनेगा, किसको क्या करना है। देखिए, वो तो जो हुड्डा साहब ने 2019 में जो बात कही थी कि 4 मुख्यमंत्री वाली बात, तो 2019 में उन्होंने कही ये और हुड्डा साहब ने 2019 में कही थी, वो अपने बात की धनी है, वो अपनी बात पर रहते हैं। ये 2019 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से हुड्डा साहब ने बात कही थी, और हुड्डा साहब अपनी बात पर रहते हैं, वो अपनी बात को बात के धनी है। चुनावी जंग में फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की शिकस्त की वजह अंदरूनी कलह रही, ये बात खुद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने भी मानी। और अब जहां हुड्डा गुट अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं SRK गुट किसी भी तरीके से हुड्डा के समक्ष झुकने वाला नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस इस बार चुनावी धरती पर जीत का झंडा लहरा पाएगी या फिर पार्टी को मात मिलेगी, इस धुंधली तस्वीर को चुनावी नतीजे साफ कर देंगे। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।